हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोली और आप देख रहे हैं रोली। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने क्या एक्सरसाइजेस करी थी डिलीवरी के बाद, जो हॉस्पिटल में मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे रिकमेंड करी थी, जिससे कि जो डिलीवरी के बाद बैक एक वगैरह होता है उसमें जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल सके। जो हमारे स्टमक की मसल्स हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वीक हो जाती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके और हम जल्दी से रिकवर कर सकें, तो वो मैं सारी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। बताने से पहले एक मैं बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो एक्सरसाइजेस थी ना, मेरी कंडीशन और मैं कैसी थी हॉस्पिटल में ये सब देखते हुए मेरे डॉक्टर ने और मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे रिकमेंड करी थी। तो मैंने क्या किया और मुझे क्या सजेस्ट हुआ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप ही सेम करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी कंडीशन क्या है और मैं ना ही कोई डॉक्टर हूँ। तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं, उन्होंने इसमें पढ़ाई करी हुई है, उन्हें ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है। वो आपकी जो फिज़िकल कंडीशन है उसको देख के आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे। तो प्लीज़ इसको, अगर आपकी नई डिलीवरी हो रखी है और स्टिचेस हैं, सी सेक्शन है, तो सिर्फ मेरे को ये सब रिकमेंड हुआ इसलिए आप मत करिएगा, आपको नुकसान भी कर सकता है ये सारी चीज़ें। तो मैं वो बताती हूँ जो मुझे रिकमेंड हुआ था और मैंने फॉलो किया था डिलीवरी के नेक्स्ट डे से। जी हाँ, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी और मैंने जब डिलीवरी मेरी सुबह के 11 बजे हुई थी और नेक्स्ट डे जब 6 बजे आपको बेड से खड़ा किया जाता है मूव करने के लिए चारों तरफ, आई थिंक 10-11 बजे के अराउंड मेरी फिजियोथेरेपिस्ट आई और उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइजेज वहीं स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि घर जाने के बाद भी इसको ट्वाइस अ डे करना है, सुबह शाम जैसे मतलब आपको सही लगे दो बार इसको करना है। और मैं वो एक्सरसाइजेस करती रही, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे हुआ और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा जो वजन था, मैंने बता रखा है पहले भी कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, मैंने 23-24 किलो गेन किया हुआ था, तो वो भी रिड्यूस होने में काफ़ी हेल्प हुआ और मैं काफ़ी ह्यूज हो गई थी। मेरा स्टमक बहुत निकला हुआ था डिलीवरी के बाद भी, काफ़ी मेरा स्टमक था, तो वो भी ओवर टाइम जो है काफ़ी रिड्यूस हो गया। मतलब मैं बोलूँगी कि अभी बिल्कुल 1-2 इंच का फ़र्क है पहले और अब में, क्योंकि मैं पहले बहुत स्लिम थी, तो अभी उसमें और अब में सिर्फ 1-2 इंच का फ़र्क है। अदरवाइज़ मैंने वो भी मेरा लूज़ हुआ है, लेकिन हाँ ये 1-2 रातों में नहीं हुआ है। मेरी बेटी 21 मंथ्स की है, तो आप सोच सकते हैं कि इस स्टेज पे आने में मुझे 21 महीने लगे हैं और अभी और लगेगा बिल्कुल पहले जैसा होने में। तो बिल्कुल पैनिक मत करिए, बिल्कुल ये मत सोचिए कि जी अच्छी आज ही डिलीवरी हुई है और हम 1-2 महीने 3 महीने बाद हमारा पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, तो जी ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। टाइम लगेगा और आपको टाइम देना भी चाहिए, क्योंकि फटाफट की चीज़ ना अच्छी नहीं होती है। तो आप टाइम दीजिए, रिलैक्स रहिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, बेबी पर ध्यान दीजिए और हेल्दी खाइए, एक्टिव रहिए, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ मैं और मैं वो एक्सरसाइजेस बताती हूँ कि वो क्या एक्सरसाइजेस हैं। और फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करिएगा। ये सी सेक्शन के बाद मुझे बताई गई थी एक्सरसाइजेस, ठीक है, जिससे मेरी हीलिंग फास्ट हो। तो आप बिल्कुल फिट हैं, आपको स्टिचेस में कोई पेन नहीं है, तो अगर आप अपने मन से करना चाहते हैं तो ही करें। बिल्कुल आपके मतलब डिलीवरी को 3-4 महीने हो चुके हों तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर आपकी जस्ट डिलीवरी हुई है तो मेरे कहने पे मत करिएगा, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पहले कंसल्ट करिएगा, क्योंकि आपकी फिजिकल कंडीशन मुझे नहीं पता है। सो आपकी रिकवरी पहले ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने क्या क्या एक्सरसाइजेस करी थी। सो और हाँ, आप ये एक्सरसाइज कहीं भी कर सकते हैं, मैं बेड पे करके दिखा रही हूँ और उस टाइम भी मैं बेड पे ही करती थी, क्योंकि इतना मूव करना सी सेक्शन के बाद हो नहीं सकता। बेड पे आराम से लेटे लेटे एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, सिर्फ पिलो हटाना है, बेड पे फ्लैट लेटना है, तो आप आराम से बेड पे कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये लेग रेज है और आपको स्ट्रेट लेट जाना है बिना पिलो के। फर्स्ट लेग को उठाना है 6 इंच तक बेड से और होल्ड करना है, 5 तक काउंट करना है, फिर नीचे करना है। फिर दूसरे लेग को ऐसे 6 इंच ऊपर उठाना है और 5 काउंट तक होल्ड करना है,
देन डाउन करना है। अगर आप 10 काउंट तक कर सकते हैं तो 10 काउंट तक होल्ड करके रखिए, देन आप नीचे करिए। ये हो गया एक बार, ठीक है। इस तरीके से आपको 10 टाइम्स करना है। और हाँ, अपनी कैपेसिटी को देखते हुए, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 टाइम कर सकें, जितना आप कर सकते हैं उतनी बार करें। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये आपको ऐसे नहीं उठाना है, बहुत सारा बहुत ऊंची हाइट पे लेके नहीं जाना है, बेड से 6 इंच हाइट पे ही इसको होल्ड करना है। ऊंचा लेके नहीं जाना है या बहुत नीचे लेके नहीं रखना है, 6 इंच की हाइट पे ही इसको होल्ड करना है, ठीक है। ये पहले एक्सरसाइज हो गई, ये हमारे पूरे जो लेग हैं इनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए। सेकेंड जो एक्सरसाइज है वो है नी टू चेस्ट। ये इसमें क्या करते हैं, हम इस तरीके से एक लेग को बेंड करते हैं, यहाँ से होल्ड करते हैं और अपने चेस्ट तक ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ते हैं। इसको भी 10 काउंट करना है। जैसे इस लेग के लिए आपने 10 काउंट करते हुए होल्ड किया, देन रिलीज़ किया लेग को, फिर इसी तरीके से इस लेग को इस तरह से ले आना है, 10 काउंट तक होल्ड करना है, देन छोड़ना है। फिर दोनों लेग को उठा करके इस तरीके से लाना है चेस्ट पे, और 10 काउंट तक होल्ड करना है, देन छोड़ना है। इसको भी 10 टाइम्स करना है। ये जो एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट, ये जो होता है ये स्ट्रेचिंग करता है हमारे इस मसल की। तो ये हो गई सेकेंड। थर्ड जो है उसमें क्या करना है कि आपको बेंड करना है, एक कुशन ले लीजिए या पिलो ले लीजिए, नी के बीच में रखना है, दोनों नीज के बीच में रखना है, इसको प्रेस करना है टाइटली, स्क्वीज करना है इसको, कुशन को, और 10 काउंट तक होल्ड करना है, ठीक है। फिर छोड़ देना है, फिर 10 काउंट तक होल्ड करना है प्रेस करके कुशन को, देन छोड़ना है। ये है, ये जो एक्सरसाइज है इसको भी 10 बार करनी है। 10 से स्टार्ट करिए, फिर उसको बढ़ाते जाइए। ये नहीं कि 10 टाइम्स ही आपको 4 महीने तक करना है, नहीं, आप 10 टाइम बड़े आराम से कर ले रहे हैं तो आपको 15 टाइम्स करना है, देन 20 टाइम्स करना है, इसको इंक्रीज करते रहना है। ये जो एक्सरसाइज है ये इनर मसल जो है थाइस की, उसको स्ट्रेंथन करती है। सो ये वाली एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हिप ब्रिज, जो बहुत ही कॉमन है, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, नी को पास लाना है बेंड करके, और पेट को टाइट रखना है, आपको पेट छोड़ना नहीं है, पेट को अच्छे से अंदर की तरफ टाइट रखना है, देन हील से प्रेस करते हुए आपको ऊपर उठाना है, ठीक है। 10 काउंट तक होल्ड करिए, देन नीचे आइए, फिर वापस आपको ऐसे ही टाइट करके टमी को ऊपर उठाना है, 10 काउंट तक होल्ड करिए, देन नीचे आइए। ये जो एक्सरसाइज है ये टमी, बैक, हिप और ये थाई, इन सभी के मसल पे वर्क करती है और स्ट्रॉन्ग करती है। बैक पेन को दूर करती है, टमी को फ्लैट करने में मदद करती है। ये मसल जो होता है, जो हमारी एब्डोमिनल मसल होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। इस तरीके से अल्टीमेटली हम धीरे धीरे करके मसल स्ट्रॉन्ग होती है और हम वेट लूज करते हैं, और बैक पेन का जो इशू होता है डिलीवरी के बाद उसको भी ये ठीक करती है। तो ये भी आप करिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए। ये सारी जो मैं एक्सरसाइजेस आपको बता रही हूँ ये आराम से आप बेड पे लेटे लेटे कर सकते हैं। और अगर किसी तरीके का पेन या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको बंद कर दें, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज होती है बहुत सेफ होती है। अगर किसी को बैक का इशू है, बैक का प्रॉब्लम है, तो भी फिजियोथेरेपिस्ट ये एक्सरसाइजेस उनको बताते हैं, और ये बैक को स्ट्रेंथन करता है। सो डिलीवरी के बाद बैक पेन के इशू को भी ये सॉल्व करता है। और जो आपका टमी है, जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है डिलीवरी के बाद की टमी नहीं रिड्यूस हो रहा है, तो इसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये हो गई एक्सरसाइजेस। और इसके बाद एक और एक्सरसाइज है कीगल। कीगल आप गूगल कर लीजिएगा। कीगल जो होता है हमारे पेल्विस फ्लोर मसल के लिए होता है, मैं वो आपको बताती हूँ। चलिए, तो ये जो एक्सरसाइजेस थी ये मैंने किया था और अब भी मैं करती हूँ, और इसकी वजह से मेरा बैक बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी डिलीवरी के बाद मैंने कोई मसाज या ऐसा कुछ नहीं लिया था। लेकिन मुझे टच वुड कोई बैक का इशू नहीं हुआ, और बड़े आराम से मैं ये एक्सरसाइजेस ट्वाइस अ डे करती थी, आज भी करती हूँ, और शायद यही रीज़न है कि मेरा जो टमी है वो रिड्यूस हुआ और बैक स्ट्रॉन्ग हुआ। मैं बेबी को ले करके, क्योंकि बेबी जो होता है वो धीरे धीरे उसकी वेट बढ़ता रहता है,
तो उसको आप बहुत देर तक होल्ड करते हैं तो आपके बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपकी बैक स्ट्रांग है तभी आप बेबी को होल्ड करके घूम सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेस करनी होती थी मुझे। साथ में वॉक करना होता था। आप बेबी से ज़्यादा वजन नहीं उठाना अलाउड होता है, तो आप बेबी को उठाइए, ठीक है, और आप कमरे में ही वॉक करते रहिए। वो बहुत हेल्प करता है आपके स्टिचेस को हील करने में। जोर नहीं पड़ना चाहिए उठते बैठते वक्त, पोस्चर का ध्यान रखना होता है, कहीं से भी टमी पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो पोस्चर का ध्यान रखना होता है। और जो इसके अलावा एक एक्सरसाइज जो मैंने बोला था मैं बताऊंगी अभी, वो थी कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल आप गूगल पर डालिएगा, वो मैं करके नहीं दिखा सकती, तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा। और कीगल क्या होता है कि जो पेल्विस फ्लोर मसल होती है, आप गूगल करिएगा पेल्विस फ्लोर मसल, वो हमारी नीचे की मसल होती है और दोनों लेग के बीच में जो पूरी मसल होती है वो होती है। और वो जो होता है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में वीक हो जाती है, जिससे कि आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है यूरिन होल्ड करना या अपना मोशन होल्ड करना में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है लेडीज़ को। तो वो ये जो एक्सरसाइज कीगल है वो इसमें हेल्प करती है। तो डिलीवरी के बाद आप इसको करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होता है ये, बहुत ही हेल्प करती है उस मसल को स्ट्रॉन्ग करने में। तो कीगल में उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है 3 सेकंड के लिए, फिर रिलीज़ करना होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, देन रिलीज़ करना होता है। ये एक्सरसाइज आप गूगल करके देख लीजिएगा और ये एक्सरसाइज करिएगा इन एक्सरसाइजेस के साथ। और साथ में जैसे मैंने बोला कि वॉक सबसे सिंपल सेफ एक्सरसाइज है वॉक, तो ये सारे करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। और आई थिंक मैंने बता दिया, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे और सॉरी मैं बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, बहुत ज़्यादा इस पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक्सरसाइज में बताऊं, पर नहीं हो पा रहा था मेरे से, इधर उधर में मेरा बच्चे के साथ टाइम निकल जाता था और मैं सूट नहीं कर पा रही थी, सो सॉरी फॉर दैट। और ये एक्सरसाइज करने से पहले आप कंसल्ट कर लीजिएगा अपने डॉक्टर से, अगर वो कहती हैं कि हाँ आप कर सकती हैं तो आप ज़रूर करिएगा। और अगर आप बिल्कुल फिट हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आप बिल्कुल फिट हैं या सी सेक्शन हुआ है, कुछ मंथ्स हो गए हैं, तो उसके बाद आप अपने मन से कर सकती हैं, बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको ये वीडियो हेल्प करे, एंड मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।